क्या आपको पता है कि आप मीट या डेयरी छोड़े बिना भी जानवरों की मदद कर सकते हैं? क्योंकि ये चीजें नेचर में एडिक्टिव है, तो कई लोग इसे चाहकर भी छोड़ नहीं सकते। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी है जिसे आप आसानी से छोड़ सकते हैं और जानवरों की मदद कर सकते हैं। शादियों में जानवरों का इस्तेमाल करना। घोड़े, ऊंट, हाथियों जैसे जानवरों को शादियों में सजा के शोपीस की तरह यूज किया जाता है। बारात में उन्हें इतने शोर और आवाज के बीचों बीच रखा जाता है, जबकि वो उस आवाज को सहन करने के लिए बने ही नहीं है। उस समय वो जानवर पैनिक या विरोध न करे, इसलिए उन्हें जंजीरों से भी बांधा जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, लेकिन कई बार उनके मालिक उनकी देखभाल भी नहीं कर पाते और इसी स्थिति में वो जानवर अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। ब्रीडर से जानवरों को खरीदना। इस इंडस्ट्री में जानवरों को छोटे पिंजरों में रखा जाता है, उनके परिवार से दूर रखा जाता है, उन्हें जबरदस्ती प्रेग्नेंट किया जाता है ताकि वो उनके बच्चों को बेच के मुनाफा कमा सके, और जो जानवर बिकते नहीं है उन्हें वो सड़कों पे छोड़ देते हैं। इस समय सड़कों पर बेसहारा जानवरों की बढ़ती आबादी के चलते हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम उन्हें घर दें और ब्रीडर से ना खरीदें। जानवरों से जुड़े खेल को सपोर्ट करना। कई खेलों में, चाहे नए या पारंपरिक, जानवरों को उनकी इच्छा के खिलाफ इसका हिस्सा बनाया जाता है और उन्हें टॉर्चर भी किया जाता है ताकि वो विरोध ना करें। कई खेल इतने हिंसक है कि उसमें सिर्फ जानवरों की नहीं लेकिन इंसानों की भी जगह पे ही मौत हो जाती है। जानवरों की सवारी करना। घोड़े, ऊंट और हाथी जैसे बड़े जानवरों को अपने प्राकृतिक माहौल से अलग करके उन्हें टूरिस्ट को घुमाने के लिए ट्रेन किया जाता है। कई बार इनके मालिक उनसे नॉनस्टॉप काम करवाते हैं, उनके बेसिक नीड्स नहीं पूरे कर पाते और उनकी इंजरीज को भी नज़रअंदाज कर देते हैं। जानवरों पर टेस्ट किए गए प्रोडक्ट्स खरीदना। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के टेस्टिंग के दौरान कई जानवरों पर अत्याचार होता है। खरगोश, चूहे, बंदरों और कुत्तों जैसे अनेक जीवों के शरीर पे केमिकल्स के साथ प्रयोग किया जाता है और वो वही दर्द में अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं। हालांकि इंडिया में कॉस्मेटिक्स के लिए एनिमल टेस्टिंग इलीगल है, लेकिन ऐसी चीज़ें इंपोर्ट भी होती है और बड़ी तादाद में बिकती भी है, तो अगली बार ऐसी चीज़ें खरीदने के पहले उसकी जांच पड़ताल जरूर करें। जू, एक्वेरियम या सर्कसेस में जाना। ऐसी जगहों पर जानवरों को अपनी पूरी जिंदगी एक आर्टिफिशियल माहौल में रखा जाता है और इसकी वजह से वो एंजाइटी, स्ट्रेस और अकेलेपन के शिकार बन जाते हैं। कोविड के चलते हमें इस बात का एहसास तो हो ही गया है कि चार दीवारों के अंदर कुछ हफ्ते बिताना कितना मुश्किल होता है, तो आप ये तो समझ ही सकते हैं कि जानवरों को अपनी पूरी जिंदगी इस तरह बिताना कितना मुश्किल होगा। तो अगर आप जानवरों की मदद करना चाहते हैं और आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगती है, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें।